हमारे पास और एक्स्ट्रा है, कोई भी फैन वगैरह चलाए तो हम एक एक तो न्यूट्रल से दे देना है, एक एक वायर यहाँ पर दे देना है। जब आप स्विच को ऑन करोगे तो आपका पंखा भी चल जाएगा, और भी कोई चीज चलाना चाहते हो आप इस तरह से चला सकते हो। तो इसी तरीके से आप सिंपल स्विच बोर्ड बना सकते हो। आज के स्टूडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, कोई भी भाई रिपेयरिंग का काम करना सीख रहा हो या रिपेयरिंग का काम सीख कर शॉप कर रहा हो तो उसे सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगा, उसको जरूरत पड़ेगा स्विच बोर्ड की। तो आज के स्टूडियो में हम बनाने वाले हैं स्विच बोर्ड। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप समझ लीजिएगा कि किस तरह का आप स्विच बोर्ड बनाना चाहोगे। आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत तो नहीं है, आप सिंपल स्विच बोर्ड भी बना सकते हो। तो आज की स्टूडियो में आपको मैं सिंपल वाला स्विच बोर्ड बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो हम क्या क्या उसमें लगाएं ताकि हमारी शॉप के अंदर अच्छा भी लगे और हमारा सारा काम हो जाए, यानी सभी चीजें हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस तरह का एक बॉक्स बनाना है लकड़ी का, ठीक है। उसके बाद हम जो पावर बोर्ड होता है हमारा, उसके ऊपर जो प्लेट लगता है उसमें हमें कटिंग करवाना पड़ेगा डिजाइन करवा के। तो हम उसमें क्या क्या लगाना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर सिंपल वाला स्विच बोर्ड बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ और उसकी वायरिंग भी करके दिखाने वाला हूँ। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, उसमें दो मीटर लगाएंगे, एक लगाएंगे वोल्ट मीटर, एक लगाएंगे एम्पेयर मीटर। तो देखिए हम यहाँ पर जो मीटर लगाएंगे उसकी जो साइज रहेगी वो रहेगी 72 mm। यहाँ पर चौकोर वाला 72 mm का हमें मीटर लगाना है। ये मीटर रहेगा हमारा वोल्ट मीटर, ये वाला रहेगा हमारा वोल्ट मीटर। अब दूसरा जो मीटर लगाएंगे वो लगाएंगे हम एम्पेयर मीटर। तो एम्पेयर मीटर की भी साइज हम 72 mm ही रखते हैं क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। मैं आपको बिल्कुल सस्ते वाला सीरीज बोर्ड बनाकर दिखाने वाला हूं। तो ये रहेगा हमारा एम्पेयर मीटर, ये वाला हो गया हमारा एम्पेयर मीटर। अब हम सीरीज बोर्ड में क्या लगाएं ताकि और भी सेफ्टी बनी रहे, तो हम उसमें लगाएंगे एक एमसीबी। एमसीबी आप साइड में भी लगा सकते हो, कहीं पर भी लगा सकते हो। मैं यहाँ पर आपको साइड में ही दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक एमसीबी लगा देता हूँ। 8 एम्पीयर का भी लगा सकते हो और 10 एम्पीयर का भी लगा सकते हो। तो कोई भी आप एमसीबी लगाना जरूरी है, एमसीबी लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर हम एक एमसीबी लगा लेते हैं, ठीक है। और हम उसमें क्या क्या सॉकेट लेंगे, जैसे 5 सॉकेट हुआ, 2 पिन सॉकेट हुआ, तो क्या क्या हम लगाएंगे वो अपने हिसाब से आप लगा सकते हो, जितनी आपको रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक 3 पिन सॉकेट लेता हूँ, इसे 5 सॉकेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक 5 सॉकेट ले लेते हैं और यहाँ पर भी हम एक 5 सॉकेट ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला 5 सॉकेट हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एक स्विच लगाना है। इसे ऑन करना कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्विच तो लगाना पड़ेगा। तो हमें एक स्विच लगा लेना है यहाँ पर। तो ये हो गया स्विच और यहां पर भी एक स्विच लगाते हैं। इसी तरीके से हमें प्लेट के अंदर कटवाना है अपने डिजाइन के हिसाब से, और यहां पर भी हम एक स्विच लगा लेते हैं। ये स्विच हो गया, इस साइड में भी हमको स्विच लगाना है, ठीक है। इस तरह से स्विच लगाना है, जितनी आपको जरूरत हो उतना आप कटवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको सिंपल वाला ही बता देता हूं। एक स्विच और लगा लेते हैं, ठीक है, और एक इंडिकेटर भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। अभी सभी स्विच के अंदर क्या है, दो दो पिन होता है, दो। तो यहां पर भी 2 पिन है, इसमें भी 2 पिन है, और इसमें भी 2 पिन है, और इसमें भी 2 पिन है, और ये 2 पिन है, ये भी 2 पिन है। सभी के अंदर दो दो पिन होता है, ठीक है। अब हम एक इंडिकेटर लेते हैं, एक हम इंडिकेटर मान लेते हैं, ये वाला इंडिकेटर मान, इंडिकेटर मान लेता है ये वाला, और ये मानते हैं हम 2 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट मानते हैं जिसमें 2 ही पिन होता है। तो 2 पिन वाला सॉकेट हम यहाँ पर लगाते हैं, इसे हम सीरीज बोर्ड सीरीज में काम में लेंगे। तो हम यहाँ पर एक बल्ब भी लगा लेते हैं, ये बल्ब है वो स्विच से ऑन होगा, और ये जो दूसरा बल्ब है ये सीरीज से ऑन होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, कनेक्शन करेंगे इनका। इनमें भी 2 वायर है और इनमें भी 2 वायर है, सभी में 2-2 वायर आपको मिलेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, पहले क्या करते हैं, फेस का कनेक्शन करेंगे। तो हम एक पावर सॉकेट पे लगाएंगे, जैसे ज्यादा पावर की कोई भी चीज चलाएंगे तो उसमें हम पावर सॉकेट का भी यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर एक पावर सॉकेट भी ले लेते हैं, ये वाला पावर का सॉकेट है, ठीक है। इसका ये स्विच हो गया, ये पावर का है, 15-16 एम्पीयर का होता है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं कनेक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले हम फेस का हम क्या करने वाले, फेस का हम रेड ले लेते हैं क्योंकि फेस रेड ही होता है और ब्लैक वाला न्यूट्रल होता है। तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले
फेस लेते हैं, ये वाला फेस हो गया फेस, हम सीधा ही एमसीबी में जाएगा। एमसीबी जो बाहर निकलेगा वो इस तरह से बाहर निकल जाएगा और सीधा जाएगा एम्पियर मीटर है उसमें चला जाएगा। इसमें दो पिन है, ये दो टर्मिनल है, तो इसमें एक वायर जुड़ जाएगा और दूसरा वायर निकल जाएगा। तो हम यहां से क्या करने वाले, इस वायर को निकाल लेते हैं। इस तरह से निकाल कर हमें सीधा क्या करना है, यहां पर लाना है, पावर सॉकेट में ले आना है। तो इस पावर सॉकेट में क्या है कि दो सॉकेट लगा हुआ है, तो हम ऊपर वाले में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें कनेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ये वाला जो पिन है इसमें हम एक वायर जोड़ेंगे तभी ये वोल्टेज दर्शाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये फेस का तो कनेक्शन हो गया है इस स्विच तक, अब हमें यहां पर भी फेस देना है तभी तो जलेगा। तो ये यहां पर हमको एक वायर ले लेना है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सीधा लाकर यहां पर तीनों स्विच के अंदर लगा लेना है, इस तरीके से। ठीक है, अब हमको यहां पर भी फेस का देना है, तो आप यहां से भी फेस ले सकते हो। तो मैं यहां पर ले लेता हूं और ये हो गया हमारा फेस, ये हो गया हमारा फेस, फेस का कनेक्शन। ठीक है, तो यहां तक हमारा फेस पहुंच चुका है और अब हमको क्या करना है, न्यूट्रल हमको लेना है, न्यूट्रल। तो देखिए, न्यूट्रल हम सबसे पहले क्या करते हैं, न्यूट्रल को हम ये यहां से हम न्यूट्रल लेते हैं, ये वाला न्यूट्रल ले लेते हैं, सॉरी यहां पर ले लेते हैं, ये वाला न्यूट्रल ले लेते हैं, ये वाला न्यूट्रल हो गया। तो हम सीधा न्यूट्रल लाकर कहां पर मिलाएंगे, यहां पर मिला देते हैं, यहां पर हमें न्यूट्रल मिला लिया है और यहां से लेकर यहां पर भी हमें न्यूट्रल मिलाना है और ये वाला जो पिन है यहां पर भी हमें न्यूट्रल मिलाना है। तो पहले हम क्या करने वाले, यहां पर ले जाते हैं इस मीटर के अंदर एक वायर, तो इसे मिल गया है न्यूट्रल। अब हमें एक वायर यहां पर भी न्यूट्रल मिलाना है, तो इसे न्यूट्रल मिला लेना है और हमें दूसरा भी यहां पर न्यूट्रल मिलाना है, तो इसे भी हमें न्यूट्रल को जोड़ देना है। अब हमको क्या करना है, यहां पर न्यूट्रल है, तो इस न्यूट्रल को सीधा हम क्या करने वाले, यहां पर ले जाकर यहां पर जोड़ देते हैं। तो ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा न्यूट्रल हो गया है, ये न्यूट्रल है पूरा। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वाला स्विच बोर्ड बनाकर बताने वाला हूं। तो ये देखिए, न्यूट्रल हो गया है, न्यूट्रल का कनेक्शन हमने कर लिया है। अब हमारे पास बचा है फेस, तो देखिए हम क्या करने वाले, इस बल्ब को हम स्विच से ऑन करेंगे। तो इस तरह से हमें स्विच में लाकर ये वाला जो पिन है यहां पे लगा देना है। जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब है वो जल जाएगा और ये हमारा सीरीज है। हम किसी भी चीज को चेक करेंगे तो सीरीज में करेंगे, डायरेक्ट थोड़ी करेंगे। तो हमें क्या करना है, इस वायर को लाकर कहां मिलाना है, ये हमारा टू पिन सॉकेट है, ये वाला हमें टू पिन सॉकेट मान लेते हैं, ये वाला टू पिन सॉकेट है जो दो ही पिन लगता है, इसमें तीन पिन लगता है, इसमें दो ही पिन लगता है। तो हम क्या करने वाले, इसको लाकर यहां पर मिला लेते हैं। तो जब हम इस वायर को आपस में शॉर्ट करेंगे पिन में वायर जोड़कर, तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा। किसी भी मोटर को हम चेक करेंगे तो सीरीज में चेक करेंगे तो बल्ब हमारा जल जाएगा। और अब हम क्या करने वाले, इस वायर को यहां पर जोड़ना है। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में पावर आ जाएगा और ये आप किसी भी एक्स्ट्रा रख सकते हो कि कोई भी चीज चलाने के लिए। तो ये वाला इंडिकेटर है, इंडिकेटर को क्या करना है, इंडिकेटर को एक फेस देना है। तो मैं यहां पर एक फेस दे देता हूं, ये यहां पर फेस मैंने दे दिया है। अब हम इसे न्यूट्रल की भी जरूरत पड़ेगा, न्यूट्रल देंगे तभी तो जलेगा। तो हम एक न्यूट्रल का वायर जोड़ देते हैं, तो मैं यहां से एक न्यूट्रल वायर यहां पर ले जाकर मिला देता हूं, तो ये इंडिकेटर भी न्यूट्रल से जलेगा। जब पावर ऑन होगा तो इसे न्यूट्रल और फेस दोनों मिलेगा, तो ये इंडिकेटर लाइट दर्शाएगा कि इसमें बोर्ड में लाइट आ रहा है और यहाँ पर वोल्ट भी दर्शा देगा। तो ये दोनों जो एम्पियर मीटर वोल्ट मीटर है, ये 72 mm का है, ये भी 72 mm का है। तो ये हमारा कनेक्शन हुआ है। अब हमारे को क्या करना है, ये पावर वाला जो सॉकेट है इसमें कनेक्शन अभी फेस का नहीं हुआ है, तो इस वायर को यहां से जोड़ देना है। तो हम जब स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें फेस की सप्लाई जाएगी और इस सॉकेट में पावर आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सिंपल सीरीज बोर्ड बना सकते हैं। ये आप शॉप के अंदर लगाओगे तो भी आपके शॉप में भी अच्छा लगेगा। तो ये बिल्कुल सिंपल वाला, ज्यादा खर्चे वाला नहीं है। तो रिपेयरिंग का आप काम सीखना चाहते हो तो आपको सबसे पहले इस सीरीज बोर्ड की जरूरत पड़े। तो हमको क्या करना है, इस पिन को भी हमको जोड़ना है पावर से। तो ये हम क्या करते हैं, यहां पर पावर
का ये जो फेस है इससे हम जोड़ देते, तो हम जब स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में भी पावर आएगा। तो इसी ये दो हमारे पास और एक्स्ट्रा है, कोई भी फैन वगैरह चलाए तो हम एक तो न्यूट्रल से दे देना है, एक एक वायर यहाँ पर दे देना है। जब आप स्विच को ऑन करोगे तो आपका पंखा भी चल जाएगा, और भी कोई चीज चलाना चाहते हो आप इस तरह से चला सकते हो। तो इसी तरीके से आप सिंपल स्विच बोर्ड बना सकते हो। तो आपको मैं कनेक्शन है एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिये ये जो रेड कलर वाला है, सबसे पहले हमें फेस को सीरीज ये एमसीबी में जोड़ना है, एमसीबी से सीधा एम्पियर मीटर में ले जाना है, एम्पियर मीटर से जो वायर निकलेगा वो सीधा हमें पावर में ले आना है, पावर से यहाँ से हम इसमें फेस देना है। ये जो रेड रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये फेस है, और ये ब्लैक जो दिखाई दे रहा है ये न्यूट्रल है। तो यहाँ से हम ये बल्ब है वो स्विच से ऑन हो जाएगा, ये स्विच ऑन नहीं होगा जब हम इसे सॉकेट से आपस में शॉर्ट करेंगे तब जाकर ये ऑन होगा। तो ये सीरीज लैंप है और ये डायरेक्ट लैंप है। तो इस तरीके से आप स्विच बोर्ड बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।